गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग के बाद सबसे पहले आपने लेजर जब बना लिए हैं पोस्टिंग ट्रांजैक्शन की करने के बाद, उसके बाद सबसे पहले जो ट्रेडर चेक करता है क्या करता है कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है और उसके लिए वो प्रिपेयर करता है ट्रायल बैलेंस। अगर जो आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड्स का जो बैलेंसेस है ट्रायल बैलेंस में, अगर वो इक्वल शो हो रहा है तो हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि जो भी आपने पोस्टिंग की है लेजर में इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स वो एक्यूरेट है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन हर एक ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट होता है वो एसेट लाइबिलिटीज या कैपिटल ऑफ बिजनेस के ऊपर होता है, और एसेट साइड का जो टोटल है वो हमेशा इक्वल होता है टू द सम ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो जो भी बैलेंसेस एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल और एक्सपेंसेस के हैं आप उन्हें शो करते हैं ट्रायल बैलेंस में। जो सम है अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का ट्रायल बैलेंस में वो इक्वल शो हो रहा है, इसका मतलब कि आपने ठीक पोस्टिंग की है। लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एरर नहीं है। डेफिनेशन क्या है ट्रायल बैलेंस की? अकॉर्डिंग टू G.R. बार्टली बॉय, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। स्टेटमेंट है जिसे प्रिपेयर किया जाता है जो आपने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस से, ये वेरीफाई करने के लिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है। देन फॉर्मेट क्या है ट्रायल बैलेंस का? सबसे आप ऊपर लिखते हैं नेम ऑफ द फॉर्म, देन ट्रायल बैलेंस एज ऑन, यहाँ वो पर्टिकुलर डेट आ जाएगी। देन फॉर्मेट में हमारे पास कौन कौन से कॉलम है? सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंसेज एंड क्रेडिट बैलेंसेज। सीरियल नंबर में तो सीरियल नंबर आ जाएगा 1, 2, 3 जो भी होगा। नेम ऑफ लेजर में हमारा अकाउंट का नाम आएगा जिसकी अमाउंट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। लेजर फोलियो में हम वो पेज नंबर लिखेंगे जो पेज नंबर लेजर में उस पर्टिकुलर अकाउंट को आपने जिस पेज नंबर पर लिखा हुआ है। देन डेबिट बैलेंसेस में डेबिट बैलेंस लिखेंगे आप या डेबिट का टोटल जो भी कंसर्न अकाउंट का है, क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस या क्रेडिट का टोटल जो भी कंसर्न अकाउंट है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए हमारे पास दो मैथड्स हैं, एक है हमारे पास टोटल मैथड और दूसरा है बैलेंस मैथड। दोनों मैथड हम करेंगे, लेकिन दोनों मैथड्स में से जो मैथड ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा यूजफुल है, दैट इज़ बैलेंस मैथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल मैथड की। ईजी मैथड है ट्रायल बैलेंस बनाने का। इस मैथड में हम सीधा क्या करते हैं, जो भी हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड्स हैं हमारे अकाउंट की उनका टोटल कर देते हैं और उनके टोटल को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये मैथड सिंपल है बट इसकी कुछ लिमिटेशन है। ओके, ये क्या है कि सबसे पहले तो जो टोटलिंग है लार्ज अमाउंट की वो डिफ़िकल्ट होगी, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी। दूसरा, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें बैलेंस चाहिए होता है, बैलेंसिंग फिगर चाहिए होता है, तो ये मेथड प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया जाता है। इस मेथड का एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है टोटल मेथड से एज ऑन 29th February 2008। तो सबसे ऊपर नाम जिसका हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस ऑफ अतुल एज ऑन 25th February 2008। ये हमने फॉर्मेट बना लिया सीरियल नंबर का, नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। हम इलोस्ट्रेशन जो हमने 1.2 की थी उसी इलोस्ट्रेशन को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम यहाँ पे बेसिकली करते क्या हैं, देखिए जैसे हमने एक क्वेश्चन पे हम जाते हैं, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने डिस्काउंट अकाउंट बनाया है। तो डिस्काउंट अकाउंट की दो साइड्स हैं हमारी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हम बैलेंस यहाँ पर नहीं करते हैं, हम खाली इनका जो भी टोटल है उस साइड का, उस टोटल को हम
उठा के ट्रायल बैलेंस में शो कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ इसे टू ट्रेडिंग अकाउंट लिख के बैलेंस किया था, हम यहाँ पर बैलेंस नहीं करते हैं। तो लेट्स मूव टूवर्ड द इलस्ट्रेशन 1.2, वहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी, ये है हमारा इलस्ट्रेशन 1.2। यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने लिखा है बाय कैश अकाउंट 10 लाख। ये जो टू बैलेंस सीरी लिखा हुआ है, ये बैलेंस करने के बाद लिखा हुआ है। जब हम टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो हम अकाउंट्स को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो भी उनकी साइड्स का टोटल है हम उसको लिख देते हैं। जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में हमारी क्रेडिट साइड पर टोटल है 10 लाख रुपीज़ का और डेबिट साइड का टोटल हमारा निल है। सेम तरीके से नेक्स्ट जो अकाउंट है गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट, इस अकाउंट में हमारी दोनों साइड्स में बैलेंस हमने नहीं किया हुआ है। वैसे भी इस अकाउंट में दोनों साइड्स हमारे सेम अमाउंट है, तो क्रेडिट साइड भी 250 अमाउंट है और डेबिट साइड भी 250 अमाउंट है। देन दीपक का अकाउंट देखिए, बैलेंस अगर हम नहीं करते हैं तो डेबिट साइड पे हमारा जो टोटल है उसका वो है 80,000 और क्रेडिट साइड पे जो हमारा टोटल है दैट इज 68,000। लेट्स सी दिस नाउ क्वेश्चन। अब देखिए, ये ट्रायल बैलेंस जब हमने बनाया तो कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पर 10 लाख रुपीस लिखा और डेबिट साइड पर निल अमाउंट आ गया। गुप्ता ट्रेडर्स की दोनों साइड्स पर हमारा शो हो रहा था तो 2,50,000 एंड 2,50,000। सेम तरीके से दीपक अकाउंट में हमारा डेबिट साइड का टोटल हो रहा था 80,000 और क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा था 68,000। तो जो भी हमारे लेजर्स में आपने अकाउंट्स बनाए हैं उनको बैलेंस किए बगैर जो भी दोनों साइड्स का टोटल है वो उस साइड पर हम लिख देंगे। तो उसके बाद हम दोनों साइड्स का जब टोटल करेंगे तो दोनों साइड्स का जो टोटल है वो इक्वल आएगा। ये है हमारा टोटल मेथड। देन नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज बैलेंस मेथड। ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इस मेथड में जो भी हम लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं हम वहाँ पर उनकी बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे हम बैलेंस अमाउंट जो हमारा आया है, डेबिट बैलेंस आया है या क्रेडिट बैलेंस आया है, हम सिर्फ उस बैलेंसिंग अमाउंट को यहाँ पर शो करते हैं ट्रायल बैलेंस में। इस मेथड में आपके जो भी अकाउंट्स आपने ओपन किए हैं लेजर में उसे बैलेंस किया जाता है। जो अमाउंट है आपका अकाउंट का जिसका डेबिट बैलेंस है लेजर में उसे डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस की, और जिसका अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है उसे लेजर के क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा, और जिस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं है उसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, उसे ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाएगा। और ये मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बिजनेसेस के लिए। स्मॉल अमाउंट जो होती हैं उनको ईजी होता है आपको लिखना। दूसरा कि सेकेंडली जो अब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स आपको हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स बनाने में, और यही मेथड एप्लीकेबल होता है इन प्रैक्टिस। देखिए इस मेथड में हमने क्या किया, वही सेम इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू करते हुए कैपिटल अकाउंट में हमारा बैलेंस शो हो रहा था, क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था, तो क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया 10 लाख रुपीस। उसके बाद देखिए हम यहीं से देख लेते हैं गुप्ता ट्रेडर्स में हमारे दोनों साइड्स पे बैलेंस कितना था 2,50,000, मतलब दोनों साइड्स इक्वल थी तो हमारा कोई बैलेंस शो नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ पर गुप्ता ट्रेडर्स का अकाउंट शो ही नहीं किया है। देन हमारा दीपक का अकाउंट था, देखिए यहाँ पे एक साइड 80,000 टोटल था डेबिट साइड पे उसके और क्रेडिट साइड पर टोटल था उसका 68,000, तो जो डिफरेंस था वो कितने का था 12,000 का, तो 12,000 का हमारा जो डिफरेंस था वो डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड बढ़ी है ना, तो दीपक के अकाउंट में हमने 12,000 का बैलेंस यहाँ पर शो कर दिया। सेम तरीके से जैसे अमित का अकाउंट है, यहाँ पे उसकी डेबिट साइड में 1,14,000 का बैलेंस है लेकिन क्रेडिट साइड में उसका कोई भी बैलेंस शो नहीं कर रहा था, इसका मतलब कि हमारा जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस वो हमने यहाँ पर शो कर दिया है। अमित अकाउंट डेबिट बैलेंस में हमने 1,14,000 शो कर दिया। इसी तरीके से मतलब जो भी आपके लेजर्स हैं उनके सिर्फ बैलेंसिंग अमाउंट को हमने यहाँ पर शो करना है, और उसके बाद जब आप दोनों साइड्स को टोटल करेंगे तो वो इक्वल आएंगी। तो ये था हमारा बैलेंस मेथड जो एक्चुअली प्रैक्टिस में जो बिजनेसमैन है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अकाउंटिंग एरर्स। अकाउंटिंग एरर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एरर्स
नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस एंड दूसरा एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ये एरर्स का जो टॉपिक हम कर रहे हैं यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, जैसे हम हेडिंग से ही अगर अंदाज़ा लगाएं तो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता और एरर्स जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है, इसका मतलब कुछ एरर्स ऐसे भी हैं जो ट्रायल बैलेंस शो नहीं करता है। इसका मतलब कि ट्रायल बैलेंस बनाना 100% एक्यूरेसी नहीं है इस चीज़ की कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट है, वो सिर्फ आपको मैथमेटिकल एक्यूरेसी बता सकता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये जो एरर्स हैं हम इन्हें आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट है हमारा एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। मेन पर्पस जो है ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन का वो होता है एक्यूरेसी को चेक करना। जो ट्रायल बैलेंस है वो गारंटी नहीं देता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेट हैं। ट्रायल बैलेंस को अगर आप टैली कर लेते हो, मैच हो जाता है, तो वो सिर्फ आपको ये कह रहा है कि आपकी मैथमेटिकल अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी है वो ठीक है। पॉसिबिलिटी एरर्स की आप डिटेक्ट कर सकते हो कहाँ कहाँ पर है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स से जो हम कर रहे हैं। सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन। इसका मतलब है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपने जर्नल में ही उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस के टैली होने से या नहीं होने से। तो गुड्स जैसे आपने परचेज की 1,15,000 की दीपक से ऑन क्रेडिट और आपने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा ही नहीं, तो आपने इसे जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं किया ना लेजर में पोस्ट किया, तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या शो करेगा? हमेशा टैली शो करेगा। तो ट्रायल बैलेंस में आपका टैली हो रहा है तो ट्रायल बैलेंस ने आपका वो एरर जो ओमिशन का है उसे शो ही नहीं किया। नेक्स्ट है रॉन्ग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। अगर आपने गलत एंट्री की है आपकी जर्नल्स में, कई बार ऐसा हो जाता है, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। जैसे आपने गुड्स बेची विजय को 25,000 की, लेकिन आपने जब जर्नल एंट्री लिखी तो आपने विजय की बजाय विजयंत लिख दिया 25,000 का, तो इसमें भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑन टेलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इस टाइप के एरर का। देन एरर ऑफ कमीशन, गलत अमाउंट आपने एंटर कर दिया प्रीलिमिनरी बुक में, तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस के टैली होने से, आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। जैसे आपने गुड सोल्ड की महेश को 37,100 की, बट बाय मिस्टेक आपने जर्नल में जो अमाउंट लिखा वो लिखा 31,700। आपने गुड सोल्ड कितने की थी? 37,100 की, और लिखा आपने कितना दिया? 31,700। तो जो भी अमाउंट आपने आगे पोस्ट की है वो 31,700 की है, ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगी, लेकिन स्टिल एरर एग्जिस्ट करता है। द नेक्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। जब आप रिकॉर्डिंग करते हुए कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हो तो उसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। इसका इफेक्ट ऑन टेलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस नहीं होता, ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर जाएगा, लेकिन स्टिल मिस्टेक एग्जिस्ट होती है। वो क्या है? जैसे सपोज टाइप्स इसके क्या हैं, अकाउंटिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया बुक्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिपेयर के एक्सपेंसेस जो थे आपके ओल्ड कंप्यूटर को, आप कंप्यूटर के उसे आपने डेबिट कर दिया कंप्यूटर अकाउंट में। देन इसका अनदर टाइप क्या हो सकता है, आपने जैसे सपोज सैलरी पे की सर्वेंट को और आपने सर्वेंट के नेम से उसे डेबिट कर लिया, जबकि वो होना कहाँ पे चाहिए था? सैलरी अकाउंट में। इसी तरीके से आपने एडजस्टमेंट को कोई कंसीडरेशन नहीं दिया अगर एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जैसे आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की या डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग की या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा के लिए अगर आपने एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स के। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज कंपनसेटिंग एरर्स। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।